विस्मय प्रसाद वाव टेक्निकल वीडियोस चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सो सॉरी दोस्तों, म्यूजिक में इतना बह गया कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मेरा वीडियो चालू हो गया। सो सॉरी दोस्तों, आई लव म्यूज़िक वेरी मच। दोस्तों आपको भी म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती होगी, जब आप म्यूज़िक को फील करते हैं, म्यूज़िक को लिसन करते हैं तो आप अपने दिन भर की सब थकान दूर हो जाती है। दोस्तों हर एक के मोबाइल में अपना डिफ़ॉल्ट एक म्यूज़िक प्लेयर होता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर में ज़्यादा कुछ बढ़िया बात होती है ऐसे मुझे तो लगता नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं ऐसे मुझे लगता नहीं है। किसी किसी को अच्छा जैज़ पसंद रहता है, किसी को ज़्यादा बास पसंद रहता है। तो दोस्तों मैंने अभी एक सर्च करते करते प्ले स्टोर पर अभी मुझे एक एप्लीकेशन मिला म्यूज़िक के बारे में, म्यूज़िक प्लेयर, तो मैंने सोचा कि इसको डाउनलोड करूँ। क्या इसमें और क्या नई बात है जो अपने डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर में होती है, इसमें और क्या नई बात है? कुछ तो मुझे लोगो तो अच्छा लग रहा था उसका, देखे थे उसके डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि वो न्यू लॉन्च है, अंडर डेवलपमेंट में है, तो देखा कि क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या क्या अभी उन्होंने फीचर दिए हैं, इसके लिए मैंने उसको डाउनलोड करके देखा। तो दोस्तों कैन यू बिलीव, वो म्यूज़िक प्लेयर इतना बेस्ट है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वही म्यूज़िक प्लेयर बेस्ट है, आपके बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर भी बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो म्यूज़िक प्लेयर से एक्सपीरियंस किया है, वाव 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 वाव, टू मच वाव, मैं उसको 5 स्टार तो दूंगा ही दूंगा। और इसके लिए मैंने सोचा कि ये म्यूज़िक प्लेयर आपको भी मालूम पड़े, आज का वीडियो मैंने उसके बारे में ही बनाने का सोच लिया। तो चलो दोस्तों उस म्यूज़िक प्लेयर को ज़रा देखते हैं, चेकआउट करते हैं। मैं उसमें म्यूज़िक बजा के नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाएगा, और मालूम है ना कॉपीराइट्स आने के बाद मेरा वीडियो यूट्यूब बैन भी कर सकता है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ उसका इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ, आप सिर्फ उसका इंटरफेस देखो और आप डाउनलोड करके उसका एक्सपीरियंस फील करो। तो चलिए दोस्तों लेट स्टार्ट। तो दोस्तों मैं जिस म्यूज़िक प्लेयर के बारे में बात कर रहा था उस म्यूज़िक प्लेयर का नाम है बूम म्यूज़िक प्लेयर। डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक मैंने छोड़ रखा है, वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उसको ओपन करते हैं। बूम म्यूज़िक को ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, उसके हिसाब से आप गाने को आपके हिसाब से सिलेक्ट करके आप सुन सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे मोर ऑप्शन का बटन है, उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेडियो का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे दुनिया के सब रेडियो चैनल्स आप सुन सकते हो। बहुत सारी कैटेगरी उसमें है, आप उसके रेडियो चैनल्स आप सुन सकते हो, बहुत सारे हैं आप देख सकते हो, आप यहाँ से उसको सुन सकते हो। वैसे हम अपने म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाके आप अपने गाने को सिलेक्ट करो और म्यूज़िक एक्सपीरियंस करो। मुझे सबसे बढ़िया यहाँ पे एक ऑप्शन लगा, तो ये जो बूम का ऑप्शन है, आप गाने सुनते सुनते आप अगर म्यूज़िक को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये बूम के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे 3D साउंड सुनना चाहते हो तो आप उसको सुन सकते हो, आप उसको यहाँ पे फुल बास का ऑप्शन है, उसको क्लिक करने के बाद आपके बास में इंक्रीज़ कर सकते हो, आप उसकी इंटेंसिटी आगे कम ज़्यादा कर सकते हो। आप ज़्यादा बास सुनना चाहते हो गाने में तो आप इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो, और आपके म्यूज़िक में बास कम करना चाहते हो इसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो। इसका इक्वलाइज़र इतना बढ़िया है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा बोलने से बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, आप इनके हिसाब से आप आपकी म्यूज़िक को इनहांस कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे म्यूज़िक है, लाउड है, जैज, हाउस, हिप हॉप, फ्लैट, पार्टी, पॉप्स, और ना जाने के बहुत ज़्यादा बात। नॉर्मली म्यूज़िक प्लेयर में, डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर में इतने दिखाई नहीं देते। वैसे भी आप यहाँ पे ये 3D साउंड को आप ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे आपके स्पीकर की लेवल को आप देख सकते हो, आपके आप फ़िलहाल तो ईयरफोन में आप गाने सुनते हो, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को अगर 5.1 होम थिएटर से कनेक्ट करते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ बहुत अच्छा होता है। आप यहां से अपने 5.1 को ऑपरेट कर सकते हो, आपके 5.1 में आपको कौन सा स्पीकर चालू रखना है, कौन सा स्पीकर बंद रखना है, आप यहां से कर सकते हो इजीली, और बहुत अच्छे म्यूज़िक का एक्सपीरियंस भी कर सकते हो।
तो दोस्तों ये रही इस म्यूज़िक प्लेयर की खास बातें जो मैंने आपको बताई, जो अपनी नॉर्मली डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर में नहीं दिखाई देंगी। और एक्सपीरियंस करो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप यहाँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एक्सपीरियंस लें। आपको यहाँ से मालूम नहीं पड़ेगा जब तक आपको डाउनलोड नहीं करते और इस म्यूज़िक प्लेयर का एक्सपीरियंस नहीं लेते। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करना, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।